किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल सके इसके लिए क्रय केंद्रों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। शासन की मंशा है कि किसान किसी भी केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपना धान बेचें और समर्थन मूल्य प्राप्त करें। इस बाबत हमारे रिपोर्टर लक्ष्मी नारायण तिवारी ने बाल्दीराय तहसील के SDM संजीव कुमार यादव से क्रय केंद्रों पर व्यवस्था के बाबत जानकारी ली। बल्दीराय तहसील में सर कितने कर केंद्र हैं जिससे किसानों को धान बेचने में राहत मिले और लोगों को एक संदेश चला जाए कि हमारे बल्दीराय तहसील में इतने क्रय केंद्र खुले हैं? बल्दीराय तहसील में धान खरीद हेतु 4 क्रय केंद्र वर्तमान में संचालित हैं। एक विपणन शाखा का बल्दीराय में, एक साधन सहकारी समिति कांपा, एक साधन सहकारी समिति प्रतापपुर और साधन सहकारी समिति देहली। ये 4 जगह तहसील बल्दीराय में धान क्रय केंद्र संचालित हैं। जो भी किसान अपना धान बेचना चाहते हों तो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके लिए पंजीकरण करा करके उसको हम सत्यापित कर देंगे और अपना धान ऐसा ले जाना है उसमें ज़्यादा नमी ना हो, मॉइस्चर ना हो और क्रय केंद्र पर उनका धान बेच जाए। किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी सर ये, जिसमें 4 क्रय केंद्र हैं आपके द्वारा बताया गया, इसलिए कोई भी किसान कहीं भी धान कहीं भी वो बेच सकता है। उसमें कोई बंधन नहीं है कि इस गांव के किसान जो है इसी क्रय केंद्र पर बेचेंगे। जी सर, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।